People send me a message, Pastor, pray for me, I am unwell. और कुछ लोग मुझे ऐसे संदेश भेजते हैं, SMS करते हैं कि पासवान मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है. I don't say anything. I said I'll pray. मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस कहता हूँ कि ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा. The Bible doesn't say that. लेकिन बाइबल इस प्रकार नहीं कहता. Can you put Psalm 107 verse 20? भजन संहिता 107 उसका 20वां वचन पढ़ेंगे. When you are unwell, what you should do? आपकी तबीयत अगर खराब हो तो आपको क्या करना है? When you are unwell, you can't pray. First of all, you should know that. अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप प्रार्थना नहीं कर पाते, इस बात को आपको जानना है. Devil wants to stop your prayer, so he makes you unwell. शैतान चाहता है कि आप कभी प्रार्थना ना कर पाए, इसके लिए वो आपको बीमार भी करता है. बीमारी क्यों आता है मालूम है? तुम्हारा प्रेयर बंद करने के लिए आता है, क्योंकि when you are sick, you can't use your faith. क्योंकि अगर आप बीमार है तो आप अपना विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर पाते. Your faith will not work when you are sick. आपका विश्वास काम नहीं कर पाता है जब आप बीमार पड़ रहे रहते हो. That is why you become sick. और इसी कारण आप बीमार पड़ जाते हो. So when you are sick, what you should do? तो अगर आप बीमार है तो आपको क्या करना है? You have to use the word of God. परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल आपको sent करना है. His word and healed them. उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया. Yes, he sent his word and healed them. और परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और उन्हें चंगा किया. See, it is always a word which will heal you, not your prayer. हमेशा एक वचन है जो आपको चंगाई देता है, ना कि प्रार्थना. Can you put Exodus chapter 15 verse 26? निर्गमन 15:26 को देखेंगे. Here it says. Again, it says a similar thing in a different way. And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments, keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. God is saying, God, you want healing? क्या आपको चंगाई की जरूरत है? You want healing? आपको चंगाई की जरूरत है? This is the answer. और यही उत्तर है. It says, यहां पर लिखा है, You diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight and give ear to his commandments. So first you have to heed. Then you have to. तो पहले उसके वचन को आपको सुनना है. Then you have to walk. Give ear. Means give your ear. तो अपने कान को आपको देना है. Give your ear. Healing begins with your ear. चंगाई आपके कानों से शुरुआत होती है. अपने पड़ोसी से कहे, चंगाई आपके कानों से शुरुआत इसकी होती है. किधर हीलिंग आता है? कहां से चंगाई शुरू होती है? दुआ में आता है. क्या प्रार्थना करने से आएगा? बहुत लोग दुआ करके मर गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था चंगाई दुआ से नहीं आता है, खान से आता है. यस. चंगाई किधर से आता है? खान से आता है. सो कान को क्लीन करके साफ साफ रखने का, दो कान ऐसा ऐसा रखने का, बड़ा रखने का, इधर आने के समय कान को बड़ा करके आने का. क्यों मालूम है? इधर से हीलिंग होता है, चंगाई यहीं से है. हीलिंग शरीर का हीलिंग होता है, बॉडी का हीलिंग होता है, मन का हीलिंग होता है, शरीर फैमिली का हीलिंग होता है, पैसा का हीलिंग होता है. हीलिंग तो यूनिवर्सल है. और चंगाई चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आपके पैसों के विषय में हो, आर्थिक स्थिति में हो, परिवार का हो, सारी बातों का चंगाई होता है. रात भर नाइट ड्यूटी करके इधर आएगा तो हीलिंग कैसा होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा. इधर सोने के लिए होगा. इधर इधर यीशु बोला है, आई विल बी योर डॉक्टर. यीशु ने यहां पर कहा है कि मैं तुम्हारा वैद्य बनूंगा.